नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौकरी के लिए निकली बंपर बहाली, अभी करें अप्लाई, 60,000 से 2 लाख तक मिलेगा वेतन। सिपाही बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी, 11,838 अभ्यर्थियों ने पाई सफलता। निजी स्कूलों के अधिग्रहण के नाम पर खेल करने वालों की खैर नहीं, अब शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। बिहार में वैक्सीन की कमी होगी दूर, आज 5 लाख डोज की खेप मिलेगी। पटना में बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ रेरा का एक्शन जारी, अब गृह वाटिका होम्स पर कसी नकेल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया NMCH का दौरा, बोले सुविधाओं का जल्द विस्तार होगा। महिला पुलिस के मामले में बिहार देश में अव्वल, नई भर्ती के रिजल्ट से और बेहतर होगी स्थिति। कोरोना को काबू करने के लिए नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 3 बड़े अस्पतालों में IAS अफसर की तैनाती। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव, नीतीश सरकार कसने जा रही है मनमानी पर नकेल, नियुक्ति पत्र लेने के पहले करना होगा ये काम। जल संकट को लेकर सचेत हुआ प्रशासन, 30 तक चालू होंगे मुजफ्फरपुर के 6 जल मीनार। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए MCL एक खुशखबरी लेकर आई है। चिकित्सा में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL में सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए बंपर बहाली निकाली गई है। नौकरी पाने वाले युवाओं को 60,000 से 2 लाख तक वेतन दिया जाएगा। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने 70 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को योग्यता और पद के अनुसार 60,000 से 2 लाख तक के वेतन प्रतिमाह मिल सकते हैं। आपको बता दें कि MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक उपकंपनी है जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन में आती है। यहाँ सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के 40, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 28 और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 2 पदों पर बहाली निकाली गई है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को दिए हुए पते पर ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ पहुंचना है। यदि किसी उम्मीदवारों के पास योग्यता के अनुसार दस्तावेज नहीं है तो उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को पहले एक आवेदन डाक पते पर भी भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप MCL के आधिकारिक वेबसाइट www.mahanadikol.in पर या www.kolindia.in के करियर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर बहाली के लिए सोमवार को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चयन पार्षद ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 11,838 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। हालांकि इस बहाली प्रक्रिया में भारतीय मूल के गोरखा के लिए आरक्षित 51 से 42 पद रिक्त रह गए हैं। केंद्रीय चयन पार्षद के मुताबिक 11,880 पदों के लिए 4 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 12 जनवरी और 8 मार्च 2020 को दो दो पालियों में लिखित परीक्षा ली गई। लिखित परीक्षा के आधार पर 6,402 अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए हुआ। 7 मार्च से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी। इनमें से 11,838 अभ्यर्थी मेगाक्रम और आरक्षण के नियम के तहत अंतिम रूप से सिलेक्शन किए गए। चयनित अभ्यर्थियों में 43% महिलाएं हैं। वहीं 447 गृह रक्षक अभ्यर्थियों का भी चयन सिपाही के लिए हुआ है। पार्षद ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षाफल को प्रकाशित कर दिया है। पार्षद के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को 26 अप्रैल से 25 का मई तक योगदान करना है। अभ्यर्थी इस अवधि में संबंधित जिला या इकाई में योगदान देंगे, ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के अधिग्रहण के नाम पर कुछ तथाकथित संघों व व्यक्तियों द्वारा लोगों को गुमराह कर अवैध वसूली करने की शिकायत मिलने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सोमवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक व जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लोगों को निजी स्कूलों के अधिग्रहण के नाम पर गुमराह कर अवैध वसूली करने वाले संघों व व्यक्तियों को पता लगाकर उन पर कानूनी कार्रवाई करे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास किसी निजी स्कूल के अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है। निदेशक ने कहा है कि कई व्यक्तियों व संघों द्वारा गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय अधिग्रहण कर इसमें काम करने वाले शिक्षकों व अन्य स्टाफ के वेतन भुगतान के संबंध में आवेदन समय समय पर विभाग को मिल रहा है, जबकि राज्य कैबिनेट ने 25 सितंबर 2006 और 28 नवंबर 2019 के विभागीय आदेश द्वारा स्कूलों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसी स्थिति में स्कूलों के अधिग्रहण का कोई औचित्य नहीं है। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा शिक्षक उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। 1993 में
अधिग्रहण के मामले को नामंजूर कर दिया गया था। निदेशक ने यह स्पष्ट किया है कि वैसे स्कूल जो अधिग्रहण या राजकीयकरण का दावा करते हैं उनकी किसी प्रकार की जांच कराने की आवश्यकता भी नहीं है। बिहार में कोरोना टीके की कमी दूर करने को लेकर केंद्र सरकार ने 5 लाख डोज को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। राज्य में जारी टीका उत्सव को लेकर बिहार के मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 लाख टीके की आपूर्ति की मंजूरी सोमवार की देर शाम को दे दी है। इसके साथ ही टीके की कमी के कारण जहां वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हुआ था वह सभी पहले की तरह एक्टिव हो जाएगा। नई खेप को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान को प्रभावित होने की आशंका दूर हो गई है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मंगलवार को राज्य को टीके की 5 लाख डोज मिलेगी। इसमें कोविशील्ड की 2 लाख डोज और कोवैक्सीन की करीब 3 लाख डोज मिलने की उम्मीद है। टीकाकरण अभियान को लगातार जारी रखने को स्वास्थ्य विभाग सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संपर्क में है। बिहार कई दिनों से कोरोना के टीके के इंतजार में था। अगले कुछ दिनों की अपनी जरूरत को मद्देनजर बिहार ने केंद्र से टीके की 30 लाख डोज की मांग की थी। इनमें विशेष अभियान के तहत 11 से 14 अप्रैल तक हर दिन 4-4 लाख टीका देने का लक्ष्य निर्धारित होने के कारण राज्य को कोरोना टीका का अतिरिक्त डोज की जरूरत बनी हुई है। लेकिन केंद्र से पर्याप्त टीका नहीं मिलने से राज्य में टीकाकरण की गति लक्ष्य के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रही है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने पटना में बिल्डरों की मनमानी पर अपना एक्शन जारी रखा है। रेरा ने ग्राहकों की शिकायत पर अब एक और रियल एस्टेट कंपनी पर एक्शन लिया है। पटना के गृह वाटिका होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ताज़ा कार्रवाई की गई है। अथॉरिटी ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी के 4 प्रोजेक्टों में संपत्ति बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। रेरा ने पटना फुलवारी शरीफ दानापुर और बिहटा के रजिस्ट्रार को संपत्ति के निबंधन रोकने के लिए लिखा है। अथॉरिटी ने कहा है कि वीआईपी रेसिडेंसी पुष्प वाटिका कमल कॉम्प्लेक्स उर्मिला वाटिका एवं अन्य प्रोजेक्ट जो ग्रीन वाटिका होम्स द्वारा बनाए जा रहे हैं उनमें बिक्री नहीं होगी। रेग ने कंपनी के खातों के बारे में भी पूरी जानकारी मांगी है। असल में इस कंपनी के खिलाफ ग्राहकों ने शिकायत की थी। पूरे देश में कोरोना के मामले में काफी इजाफा देखने को मिला है। राजधानी पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का दौरा किया जहां उन्होंने एनएमसीएच के अधीक्षक और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड 19 वार्ड में जाकर सुविधाओं और संसाधनों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सचेत और सतर्क है। साधन और सुविधाओं को विस्तार किया जा रहा है। एनएमसीएच में भर्ती कोरोना मरीज यहां की व्यवस्था और इलाज से संतुष्ट है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनएमसीएच समेत सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए 44 बेड बढ़ाया जा रहा है। एनएमसीएच डॉक्टरों को कोरोना का पहले का अनुभव है और कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। टीकाकरण का भी काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं कोरोना मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल में समुचित व्यवस्था और लापरवाही से मौत होने के आरोप लगाने के मामले पर उन्होंने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। जाँच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट कल जारी किया गया है जिसमें कुल 11,838 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों में 43% महिलाएं शामिल हैं। बिहार की महिलाओं के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही महिला पुलिस कर्मियों के मामले में बिहार देश भर में पहले रैंक पर है। इंडियन पुलिस मानव संसाधन के 1 जनवरी 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस में सर्वाधिक 25.30% महिलाएं हैं। आपको बता दें कि देश में महिला पुलिसकर्मियों की कुल क्षमता 215,504 है। इनमें केवल बिहार में पुलिस बल की क्षमता 91,862 है जिसमें 23,245 महिला पुलिसकर्मी है जो कुल संख्या का 25.30% है। हालांकि संख्या के मामले में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस बल की क्षमता 3,03,450 है जिनमें 29,112 महिला पुलिसकर्मी है। यह कुल संख्या का 9.59% है। बिहार में कोरोना संकट पहले से ज्यादा गहरा गया है। कोरोना के नए मामले के आंकड़े दिन दुनी और रात चौगुनी वाली रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बेकाबू होते कोरोना को काबू करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार ने राज्य के 3 बड़े अस्पतालों में IAS अफसरों की तैनाती की है। आपको बता दें कि बिहार में
हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। राजधानी पटना की स्थिति सबसे खराब है। कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था और इसके हालात की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने 3 IAS अधिकारियों को पटना के 3 बड़े अस्पतालों में PMCH, NMCH और एम्स में OSD के तौर पर तैनात किया है। ये अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार और अस्पताल प्रबंधन के बीच समन्वय और निगरानी का काम करेंगे। साथ ही साथ समय समय पर ये अधिकारी राज्य सरकार को भी सलाह भी देंगे। बिहार में शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। नियोजन में आने वाली तमाम तरह की लापरवाही की शिकायतें अब दूर करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इस ओर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस तैयारी को असली जामा पहनाते ही शिक्षक नियुक्ति में मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। विभाग अब बड़ी निगरानी के बीच शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान मनमानी की शिकायतें आम है। कई ऐसे शिकायत आम बन चुके हैं जिनमें ये आरोप लगते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी और गड़बड़झाला होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग अब इन नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में की जाने की तैयारी की जा रही है। केवल आवेदन ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की मीटिंग सोमवार को मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। स्वास्थ्य कारणों से उप मेयर मर्दन शुक्ला वर्चुअल तरीके से मीटिंग में जुड़े। मीटिंग के दौरान एक दर्जन एजेंडे पर चर्चा हुई, इसके बाद इसे मंजूरी दी गई। गर्मी बढ़ने के साथ शहरी क्षेत्र में गहराए पेयजल संकट को देखते हुए 30 अप्रैल से पहले शेष बचे 6 जलमीनार को चालू करने का डेडलाइन तय की गई है। 10 में से 4 जलमीनार एक सप्ताह पहले चालू हो चुका है। मेयर ने मरम्मत कार्य में लगी एजेंसी को हर हाल में तय अवधि के बीच वाटर टावर को चालू कर निगम को हैंडओवर करने को कहा है। साथ ही जितने भी खराब चापाकल हैं पार्षदों के साथ तालमेल स्थापित कर अविलंब मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से 7 नए बॉबकट मशीन की खरीदारी होगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।